कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर? जी बहुत अच्छा लगा। पहले तो एक तो मेरे को बच्चे बहुत पसंद है और यहाँ के सब बच्चे देखे, बच्चे भी बहुत खुश है उनको देख के मैं और ज्यादा। भाई बात करते ये है भिवंडी शहर का मशहूर मारूफ मदरसा सिराजुल उलूम। आज भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा यहाँ पहुंचे। हालांकि पत्रकारों ने उनसे कई सवाल भी किया तोरण के ताल्लुक से, भिवंडी के खड्डों के ताल्लुक से, और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार भी नहीं है उसके संबंध में, मगर मामा गोल गोल करते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। मैं खान मदरसे में आए हैं, सिराजुल उलूम मदरसा है, कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर? जी बहुत अच्छा लगा। पहले तो एक तो मेरे को बच्चे बहुत पसंद है और यहाँ के सब बच्चे देखे, बच्चे भी बहुत खुश है उनको देख के मैं और ज्यादा खुश हूँ। मामा एक आपका सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, आपने उस दिन स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पक्ष का जनाधार नहीं है। नहीं देखो ये जो बात मैंने बोला है, जबकि उन्होंने दूसरे पार्टी से प्रवेश लिया यही विधानसभा के ताल्लुक से, तो इसके लिए हो सकता है ना, पार्टी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिनका जनाधार हो, तो उनको दूसरे पार्टी से लेना पड़ा है। सोरेन पावर की बिल बढ़ के आ रही है। हाँ ये इलेक्शन के पहले बढ़ा है, ये इलेक्शन के बाद नहीं। मामा का वादा भी था कि हम नहीं, बात सुनो ना, इलेक्शन के पहले बढ़ा है। मैं बोला हूँ ना, मेरे को एक डेढ़ महीना हुआ, उसमें से दो महीने में 35 दिन तो सेशन में गया, मेरे को थोड़ा टाइम दो। भले कितने भी प्रॉब्लम्स आएगा ना, तो मैं मेरे वादे पे पूरा कायम हूँ, मैं मेरे वादे से कभी मुकरता नहीं हूँ, इतना ध्यान में रखू। सिर्फ क्या है, मुझे थोड़ा टाइम दो, 5 वीक तो मेरा सेशन में है। और जो भी अभी टोरंटो ने बढ़ाया वो आपकी जानकारी लिए आपको बताता हूँ, वो चेक करो, अप्रैल से बढ़ाता हूँ। जब इलेक्शन आया तो अप्रैल से ये लोग ने रेट बढ़ा के। और मामा आघाड़ी के उम्मीदवार आमदार के लिए कुछ नाम फाइनल हुए, आपने 3 जगह मांगा है? नाम फाइनल नहीं, देखो अभी तो मांग की है, उसके बाद की जो प्रोसीजर है कैंडिडेट की वगैरह वो तो बात। और जो फूल है आप बच्चों को आ जाओ।